हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मोनू और आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक और जानकारी। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सफारी ब्राउज़र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो आईफोन यूजर है वो तो जानते होंगे सफारी ब्राउज़र के बारे में। जो मेरे दोस्त एंड्रॉयड यूज़र हैं तो उनको मैं बता देता हूँ। जैसे यूसी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में, तो ऐसे ही ब्राउज़र है जो सफारी यूज़ नाम है जिसका, वो हम आईफोन में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं सफारी ब्राउज़र के ट्रिक्स बताने जाता हूँ, आईफोन यूजर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आईफोन की सफारी की खूबियाँ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईफोन के अंदर जो है हमें मिलता है सफारी ब्राउज़र। हम इसको टैप करते हैं, हमारा होम पेज ओपन होता है। हम यहाँ पर कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं दोस्तों। जैसे ही हम जैसे हमने पहली वेबसाइट है एप्पल, तो मैंने इसी पर टैप किया तो हमारी वेबसाइट आप में ओपन हो जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बेहतरीन 5 ट्रिक्स के बारे में बताता हूँ जो आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सबसे पहले स्मॉल लेटर ए और बी, कैपिटल अक्षर ए लिखा हुआ है स्मॉल और लार्ज अक्षरों में, तो हमें इस पर टैप करना है। तो हमें जो स्क्रीन पर साइज लिखा हुआ आईफोन 11 प्रो, प्रो कैमरा, प्रो डिस्प्ले, तो हम इसको साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और स्मॉल भी कर सकते हैं। तो हम इस पर टैप करते हैं तो हमें लेटर का साइज हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम स्मॉल लेटर पर टैप करते हैं तो हमारा ये लेटर स्मॉल हो जाते हैं 85%। अगर हम इसको 100% करते हैं तो नॉर्मल साइज इस लेटर का हो जाता है। अगर हम कैपिटल अक्षर पे करते हैं तो ये लेटर का साइज और बड़ा हो जाता है। और दोस्तों, इसी के अंदर कभी कभी हमारी कोई सेटिंग होती है, कोई भी चैनल होता है, यूट्यूब की सेटिंग होती है, तो कई बार मोबाइल डेस्कटॉप पे मोबाइल जो वेबसाइट खोलती है हमारी मोबाइल के अंदर, तो इसी पे हम डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं डेस्कटॉप वेबसाइट के लिए। तो यहीं पर हमने लेटर पर टैप करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दोस्तों रिक्वेस्ट डेस्कटॉप वेबसाइट। तो हम यहीं से डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं टैप करने के बाद, और डायरेक्ट हमारी वेबसाइट खोल जाएगी जो हम डेस्कटॉप पर देखने को मिलते हैं आपको। जैसे मैं दिखा देता हूं दोस्तों, जैसे हम YouTube का लिंक है, मैं YouTube पर टैप करता हूं। तो देखना दोस्तों, ये मैंने सेटिंग किया हुआ है डेस्कटॉप पे, तो ये डेस्कटॉप पेज आपके सामने ही है। तो दोस्तों, हमें यहीं पर टैप करना होगा। जैसे मैं यहां पर टैप करता हूं तो हमें ऑप्शन देखने को मिलता है रिक्वेस्ट मोबाइल वेबसाइट। तो मैं डायरेक्ट यहां पर क्लिक करता हूं तो हमें मोबाइल की वेबसाइट देखने को मिलती है। और एक दोस्तों, जो मैं कह रहा था मैंने सेटिंग की हुई है, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ टैप करने के बाद हमें वेबसाइट सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूँ तो हम यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट डेस्कटॉप वेबसाइट। तो अगर हम इस ऑप्शन को दोस्तों ऑन रखते हैं तो हमें जब भी हम इसी साइट को हम क्लिक करते हैं तो हमें हमेशा जब भी हम सर्च करेंगे तो डेस्कटॉप मोड ही हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि भी हमें डायरेक्ट डेस्कटॉप वेबसाइट ही ओपन होनी है, या यहाँ से हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें कैमरा, माइक्रोफोन, ये हमारे परमिशन होती है। जैसे हम इसको यहाँ से आस्क करने के बाद करते हैं, यहाँ हमेशा परमिशन हमें देनी होगी। यहाँ से हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अलाउ भी कर सकते हैं और डेन भी कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा है, जैसे मैं दिखा देता हूँ, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें एक हाई टूल बार, जो हमें सर्च वेबसाइट है, ये हम जो नीचे जो टूल बॉक्स हमें दिए हुए हैं शेयर का, जो भी है रिसेंट का, यहाँ से हम इनको हाइड भी कर सकते हैं। हाइड करने के बाद ये हाइड हो जाते हैं, हमें पूरी स्क्रीन हमें देखने को मिलती है। अगर हमें वापस इसी को जरूरत है, जैसे हमें टूल बॉक्स वापस चाहिए, तो हमें यहाँ यूट्यूब लिंक जो ऊपर दिया हुआ है वेबसाइट का लिंक, उस पर टैप करना है लॉक स्क्रीन पर, तो हमें वापस टूल बॉक्स हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये थी हमारी पहली ट्रिक्स। और दूसरी ट्रिक्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिया हुआ हमारा, यहाँ पर हम शेयर के ऑप्शन पर जब हम टैप करते हैं तो हमें नीचे स्लाइड करने के बाद हमें बुकमार्क का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारा ये बुकमार्क ऐड हो जाता है यहाँ पर। और इसको हम होम स्क्रीन पर भी यही सेम पेज हम एडिट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको कोई भी साइट करता था, यूट्यूब तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये ले देते हैं apple.com को। अगर मैं यहाँ शेयर वाले क्लिक बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड बुकमार्क भी कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐड टू फेवरेट भी कर सकते हैं, और हमें ऐड टू होम स्क्रीन पर। तो ऐड टू होम स्क्रीन का मतलब है हमारे होम स्क्रीन के ऊपर ही हमें लोगो देखने को मिलेगा। जब भी वहाँ हम टैप करते हैं तो हमें डायरेक्ट यही वेबसाइट पर ओपन
देखने को मिलती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर टैब किया और यहाँ पर ऐड किया, हमारी होम स्क्रीन पर ही डायरेक्ट ये एप्लीकेशन की टाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है। हम इस पर टैप करते हैं तो डायरेक्ट हमें वही वेबसाइट पर। और दूसरा दोस्तों, हम इस पर शेयर पर क्लिक करते हैं, स्लाइड करते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, ऐड रीडिंग में भी डाल सकते हैं और यहाँ पर ऐड बुकमार्क भी कर सकते हैं हम। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने ऐड बुकमार्क किया। मैं आपको बताऊँगा कि हम यहाँ से कहाँ से चेक कर सकते हैं, और इसी को हम ऐड बुकमार्क की जगह हम ऐड टू फेवरेट भी कर सकते हैं। जैसे ये हमें क्लिक किया और यहाँ से हमने सेव किया। तो ये थी हमारी दूसरी टिक्स। और तीसरी टिक्स के लिए मैं बताता हूँ दोस्तों, जैसे कि ये जो फेवरेट और बुकमार्क थे, ये सारे बुकमार्क ही हैं, मैंने ऐड किए हुए हैं, यहाँ पर फेवरेट में भी ऐड किए हुए हैं मैंने। तो ये मैंने जो आपको पिछले ऑप्शन में मैंने बताया था कहाँ से हम चेक कर सकते हैं, कहाँ से नहीं चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक बुक का लोगो हमें दिख रहा होगा, यहाँ पर हम टैप करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं सारे बुकमार्क हमें जो मैंने ऐड किए थे। हम जैसे ही वहाँ पर ऐड टू बुकमार्क का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर हमारे जो भी बुकमार्क है वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। जैसे आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो ऐप पर मैंने दोनों ऐड किए थे, एक फेवरेट में गया और एक बुकमार्क में ऐड हो गया। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमें देखना होता है रीडिंग का। तो दोस्तों रीडिंग लिस्ट जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते थे, जो भी ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होता तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ऐसे दोस्तों ये हमारी हिस्ट्री होती है, जैसे हम कुछ भी हमने सर्च किया हुआ तो ये चीज़ हमारी हिस्ट्री होती है। और इसको हम क्लियर करने के हमें दो चार ऑप्शन मिलते हैं, जैसे लास्ट और की जो हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं, टुडे की, टुडे यस्टरडे और ऑल टाइम भी हम क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही बुकमार्क हमने ऐड किए थे, ऐड टू फेवरेट किया हुआ, तो ये हमारे ऐड टू फेवरेट फ्रंट स्क्रीन पर ही हमें देखने को मिलते हैं। हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से हमें इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, कहीं भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 3D टच का भी वर्क होता है, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन इन न्यू टैब, एडिट और डिलीट और कॉपी। तो ये 3D टच का वर्क होता है यहाँ पर। ये थी हमारी दोस्तों तीसरी टिक्स। चौथी टिक्स के लिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे ही दोस्तों हम कई बार बहुत सारे पेज ओपन कर सकते हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, हम क्लिक कर चार पांच पेज हम आगे चले जाते हैं, तो हमें देखना होता है कि हम बैक करना पड़ेगा, हम कैसे बैक जाएं। जैसे मैंने पहले से लेकर चार पेज तक ओपन किए और हमें जरूरत होगी, हमें पहले पेज पर ही डायरेक्ट वापस जाना, तो हम इसको बार बार क्लिक करते रहते हैं। तो हमें दोस्तों अब इसमें ऐसा नहीं हमें देखने को मिलता, हमें क्लिक इसको बस जो एरो बैक का एरो का निशान है, हमें इसको प्रेस करना होगा और यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं भी 1, 2, 3, 4। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये सर्च किया, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को डायरेक्ट पहले पेज पर जाना है, दूसरे पे, तीसरे पे या फोर्थ पे। यहाँ से मैं कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देगा गूगल का। तो मैंने गूगल से ही मैंने दोस्तों स्टार्ट किया था, और ऐसे ही दोस्तों जैसे मैंने चार पेज तक मैं गया था, तो ऐसे ही फॉरवर्ड बटन पर हम प्रेस करके रखते हैं तो फिर हमें वही ऑप्शन देखने को मिलता है भी आपको कौन से पेज पर ही डायरेक्ट ओपन होना है। तो जैसे दोस्तों मैं लास्ट टाइम आईफोन 11 प्रो बैटरी की उस पर था, तो यहीं सीधा डायरेक्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये बहुत ही दोस्तों कमाल की ट्रिक्स थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी दोस्तों। मैंने बहुत सारी टैब खोली हुई हैं, जैसे मैंने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बहुत सारी टैब हैं। हम इसको क्लियर करना, वैसे तो ऐसे स्लाइड करने के बाद हम क्लियर भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा भी चाहते हैं कि हमें एक साथ सारी टैब क्लियर करनी होती है, तो हमें उसके लिए करना होता है। जैसे दोस्तों रिसेंट ऐप का जो मैंने ऑप्शन दिखाया था, ये डबल स्क्वायर का, तो यहाँ पर मैं प्रेस करके रखता हूँ। जैसे दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लोज ऑल 12 टैब, मैंने 12 टैब खोली हुई है। जैसे क्लोज दिस टैब, यानी कि आप इसी टैब को क्लोज करना चाहते हो, या फिर आप सभी 12 टैब को क्लोज करना चाहते हो, यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, या न्यू टैब। तो दोस्तों ये थी हमारी चौथी ट्रिक्स। और पांचवी ट्रिक्स के लिए मैं आपको तो बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है आईफोन में सफारी ब्राउजर में। जैसे ही दोस्तों हम न्यू टैब पर क्लिक करते हैं, तो हमें एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को जरूर मिलता है, प्राइवेट। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो एक अलग सी वेबसाइट, अलग एक पार्ट ओपन होता है। जैसे हम MI फोन में हम सेकंड स्पेस भी बोल सकते हैं इसको, तो आजकल बहुत ही फेमस है ये सेकंड स्पेस भी। तो यहाँ पर हमें एक प्राइवेट ब्राउजर मोड देखने को मिलता है। जैसे इस यहाँ पर लिखा हुआ है कि बी सफारी वुड नॉट रिमेंबर द पेज यू विजिटेड, योर सर्च हिस्ट्री और योर ऑटोफिल इन्फॉर्मेशन आफ्टर यू क्लोज ए टैब इज प्राइवेट ब्राउजर। यानी कि यहाँ पर सब कुछ प्राइवेट रहता है दोस्तों। यहाँ जो सर्च हिस्ट्री थी वहाँ पर भी इसकी डिलीट नहीं चाहती है,
और जो क्लोज टैब करते हैं हम वहाँ पर भी इसमें कोई असर नहीं होता। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर कुछ भी जोमेटो ओपन करता हूँ, तो ये जो मैंने वेबसाइट खोली ये यहीं पर प्राइवेट जो प्राइवेट टैब है ये हमारा यहीं पर रहता है। जैसे न्यू टैब पे हम ओपन करते हैं वहाँ पर इसका कोई भी डिटेल नहीं जाती है। जैसे मैं प्राइवेट ऑफ करता हूँ तो जैसे दोस्तों ये मैंने टैब खोले इसमें कोई भी जोमेटो का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। ये मैंने पहले डायरेक्ट ओपन किया होता है इस करके यहाँ पर ऑप्शन था। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर जोमेटो का क्लोज भी कर दिया है और प्राइवेट में जब अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर हमें वही तीन जो टैब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा प्राइवेट ब्राउजर जिसमें हमें सीक्रेट ब्राउजर भी करते हैं, सीक्रेट वर्क भी कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहीं पर टैप करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर क्लोज टैप भी कर सकता हूँ, यहाँ पर जो भी सर्च हिस्ट्री होगी जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर सर्च हिस्ट्री, यहाँ पर कोई प्राइवेट का कोई भी लिंक हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था, जो लास्ट ऑप्शन था ये मुझे बहुत ही पसंद आया और मुझे ये दो ऑप्शन बहुत ही अच्छे लगे। और आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी सफारी ब्राउजर से रिलेटेड। तो आईफोन से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि मेरी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी में। बाय बाय।